गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपने मेरे वीडियो 1 सीरीज़ के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं वीडियो 2 सीरीज़ की ओर, जिसमें ग्रह विज्ञान विषय से संबंधित भोजन और पोषण वीडियो 2 के क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया है। आपके ऑप्शन है मिगेलोब्लास्टिक, सेकंड ऑप्शन संघातिक या परनीशियस, थर्ड ऑप्शन है सिकल सेल और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर होगा बी, यानी कि सांघातिक या परनीशियस। सेकंड क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में बच्चों के PEM का आकलन करने के लिए टेस्ट है। ऑप्शन है बायोकेमिकल परीक्षण, सेकंड ऑप्शन एंथ्रोपोमेट्री, थर्ड ऑप्शन है रोग परीक्षण और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आपका सही आंसर होगा एंथ्रोपोमेट्री। थर्ड क्वेश्चन, आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु जिस पर दूध प्रोटीन की अधिकतम जमावट होती है। ऑप्शन है 4.2 pH, सेकंड ऑप्शन 4.6 pH, थर्ड ऑप्शन 5.4 pH एंड फोर्थ ऑप्शन है 6.6 pH। इसका सही आंसर है 4.6 pH। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन पे देखिएगा, कैल्शियम का उपयोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीलेट, सेकंड ऑप्शन है फोर्टेट, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीडोबेस एंड फोर्थ ऑप्शन है साइटेट। इसको कोड में दिया गया है, यानी इसमें कोई भी दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसलिए ABCD करके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कोई भी दो ऑप्शन वाले को टिक करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन D, यानी कि ऑक्सीलेट और फाइटेट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, होमोकिस्टीन के चयापचय में निम्न पोषक तत्वों में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है विटामिन B6, सेकंड ऑप्शन है थायमिन, थर्ड ऑप्शन है विटामिन B12 और फोर्थ ऑप्शन है फोलेट, लास्ट ऑप्शन है कैल्शियम। इसका आंसर भी कोड में है, इसका सही आंसर है ऑप्शन C, यानी कि विटामिन B6, विटामिन B12 और कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज खाना पकाने से जुड़े शब्दों को पहचाने। ऑप्शन है जेलेशन, सेकंड ऑप्शन जिलेटिनीकरण, थर्ड ऑप्शन है स्कम गठन और फोर्थ ऑप्शन है चौंकाने वाला, लास्ट ऑप्शन है रेट्रोग्रेडेशन और 6 है जमावट। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन B, यानी कि जिलेशन, जिलेटाइनाइजेशन और रेट्रोग्रेशन। सेवन क्वेश्चन देखिएगा, निम्न सोडियम आहार में सिफारिश की जाती है। ऑप्शन है तीव्र हेपेटाइटिस, सेकंड ऑप्शन NIDDM, थर्ड ऑप्शन है डिसलिपिडीमिया, फोर्थ ऑप्शन है CHF एंड फिफ्थ ऑप्शन है लीवर सिरोसिस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि CHF और लीवर सिरोसिस। एट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को अपने प्रति 100 ग्राम प्रति सोडियम सामग्री के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। ऑप्शन है केले, सेकंड ऑप्शन अंडा, टमाटर, पालक, कस्तूरी तरबूज और मांस।
आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, एसर्शन। एसर्शन वाले क्वेश्चन आपको पता ही है यूजीसी नेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझकर आपको उसका आंसर देना है। एसर्शन ए है, दूध शिशुओं के लिए एक पूर्ण भोजन है। इसका रीज़न क्या है? आर, 8 महीने के बाद ही शुरू करना चाहिए। सही उत्तर है आपका ए सही है, लेकिन आर झूठ है। टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी एसर्शन है। एसर्शन ए, प्राकृतिक एंजाइम प्रक्रिया को बाधित करने और शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए जैव दुर्गति किया जाता है। कारण है इसका, यह भोजन की पोषक सामग्री को बदलता है जो पकने वाली प्रक्रिया को देरी करता है। इसका सही उत्तर है दोनों ए और आर ही झूठ है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज, एंड आगे भी आप सभी वीडियोज को ऐसे ही देखते रहिए। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सभी प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।